आपके अपने YouTube चैनल विभाग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का नेक्स्ट पेपर व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का है। लगातार आप लोग क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न की मांग कर रहे थे, ओके कमेंट कर रहे थे, ओके तो हम अब क्या है व्यवसाय अध्ययन के क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा का लिए, ओके 11 दिसंबर को आपका पेपर, चलिए देख लेते हैं हम। तो हम क्या है मैं आपको प्रत्येक चैप्टर में चलूंगा अपन, ओके और फिर वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा सिलेक्टेड बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अब तक देखिएगा, ओके लगभग हम सभी चैप्टर देख लेंगे, ओके चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा चैप्टर है व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य, देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले इसमें आपको तैयार कर लेना है पहले चैप्टर से आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ओके आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ओके अगर आपको लगता है कि जो मैं क्वेश्चन बता दूँ इसके इसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है और आप ये तैयार करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिएगा, ओके वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमने कंप्लीट हुआ था, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यावसायिक जोखिम क्या है, ओके व्यावसायिक जोखिम क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 3 नंबर के लिए तैयार करना है उद्योगों का महत्व, तो समझाइए आपके 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, ओके तो इसकी जवाब लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यवसाय की 3 विशेषताएं समझाइए, ओके व्यवसाय मतलब बिजनेस की आपको क्या है 3 आपको विशेषताएं बतानी, ओके ये आपके दिए हुए इसकी जवाब ले लीजिए। तो 4 विशेषताएं हैं तक तैयार कर लीजिए, ओके जब इन इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करें इसमें देखिए आप देखिए हेडिंग है पर उसके बारे में दिया हेडिंग है इसका, तो आप फोकस किस में याद करिएगा हेडिंग मुझे याद होनी चाहिए, 4 पॉइंट आपने हेडिंग याद कर ली तो पेपर में हेडिंग याद आ जाती है तो अंदर की डिटेल तो आप जैसे 1-2 लाइन लिख ही लेंगे, ओके तो आपकी पूरी विशेषता भी कंप्लीट हो जाती है, ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है व्यावसायिक जोखिम जोखिम के 3 कारण बताइए, ओके तो 3 कारण आपको बताने हैं तो ये आपके दिए हुए, ओके तो हेडिंग याद करने में आप फोकस करिएगा, ओके तो ये आपके दिया हुआ है स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। इसमें आप वर्गीकृत किया गया कि मानवीय कारण कौन कौन से होते हैं व्यवसायिक जोखिम में, ओके आकस्मिक कारण आर्थिक कारण कौन कौन से होते हैं ये आपका दिया हुआ है इसके बारे से इसी से आप ले लीजिए, ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है व्यापार उद्योग में क्या अंतर होता है, तो व्यापार उद्योग में ये आपका अंतर दिया हुआ है इसी से आप फास्ट ही लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, तो व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति क्या होती है ये आपका दिया हुआ, जैसे पहला है जोखिम का जन्म अनिश्चितताओं से होना, जोखिम से बचा नहीं जा सकता, इस प्रकार से दी हुई है जोखिम की प्रकृति, ओके चीज और आप फास्ट लीजिए। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये सब लॉन्ग में चल रहा है आपके मतलब 3 से 4 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे व्यापार की 4 प्रमुख सहायक क्रियाओं को समझाइए, तो ये आपकी 4 सहायक क्रिया दी हुई है, ओके ये आपकी सी जवाब लीजिए, 4th पॉइंट हो जाते हैं 5वां, ओके कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसे देख लेते हैं। तो इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है साझेदार किसे कहते हैं, साझेदार क्या होता है जब या दो से ज्यादा किंतु अधिकतम 20 ये आपका दिया हुआ है इसकी सुराव लीजिए, साझेदार की परिभाषा आपसे पूछी जाती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी सुराव लीजिए, ओके ये आपकी दी है साझेदार की परिभाषा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कौन होता है ये आपका दिया है कर्ता किसे कहते हैं इसलिए इस आप इसका ले लीजिए, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है निजी कंपनी से क्यास है, तो ये आपका दिया है निजी कंपनी से क्यास है इसलिए इस आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ओके। फिर आपको नेक्स्ट तैयार करना है सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, ओके तो ये आपका दिया हुआ है इसलिए आप इसका भी ले लीजिए। सब एकदम आपके इजी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फिर आपको पेपर में ज़्यादा नहीं लिखना कि अब 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन आएंगे 2 लाइन लिखना है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे आप लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना। सबसे पहले एकांकी व्यापार की विशेषता लिखिए, तो आपकी दी हुई एकांकी व्यापार की विशेषता इसकी जवाब लीजिए, पहला पॉइंट ये दूसरा ये तीसरा इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए, ओके तो ये आपका दिया है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर इसकी जवाब फास्ट ही लीजिए, ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये सब आपके लॉन्ग में है, ओके। साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर लिखिए, तो ये आपका दिया है साझेदारी व्यापार और कंपनी में अंतर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका, ओके। ज्यादा हर पॉइंट में आपको 4 याद करना है, 4 नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है लॉन्ग में, तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष लिखिए, ओके ये आपके इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, अब इसमें 8 पॉइंट दिए, कोई भी 4 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, ओके। इस पे आपको सबसे पहले तैयार करना है भूमंडलीकरण उद्यम किसे कहते हैं या भूमंडी उद्योग किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है इसलिए थोड़ा आप ले लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 उदाहरण दीजिए, ओके। 2 उदाहरण आपको कौन कौन से हो जाते हैं जी, आपके उदाहरण दिए हुए हैं एकल स्वामित्व साझेदारी संयुक्त पूंजी कंपनी सहकारी समिति, ये सब उदाहरण है आपके, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है सार्वजनिक क्षेत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका दिया है सार्वजनिक क्षेत्र का आशय इसकी आप इसका भी क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है विभागीय उपक्रम से आशय क्या है, तो विभागीय उपक्रम से आशय आपका ये दिया हुआ है इसलिए इस आप ले लीजिए। अब इसमें आपको लॉन्ग में आपको देख लेते हैं, लॉन्ग मतलब 3 से 4 नंबर, ओके। तो इसमें आपको तैयार करना है सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो ये आपके दिए हुए इसलिए आप इसका ले लीजिए।
सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य, ये आपके दिए चार पॉइंट हो जाते हैं, ये पाँचवा छठवा सातवा के, तो ये आप हो जाता है अपना कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका व्यावसायिक सेवाएं। इसे देख लेते, इसे आपको सबसे पहले तैयार करना है ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए, ई बैंकिंग का अर्थ आपको बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है ई बैंकिंग का अर्थ, इसका इसी जवाब ले लीजिए, ये अपना कंपनी हो जाता है ई बैंकिंग का अर्थ। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है वाणिज्य बैंक का अर्थ लिखिए, तो वाणिज्य बैंक का आपका अर्थ ये आपका दिया हुआ है, ओके इसलिए जवाब ले लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है डायरेक्ट टू होम, ओके सेवा का अर्थ लिखिए, डायरेक्ट टू होम सेवा का क्या अर्थ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ, ओके तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपका जीवन बीमा क्या अर्थ होता है, इसके तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है व्यवसाय की भर्ती पद्धतियाँ, ओके इससे देख लेते हैं। इससे दोस्तों सबसे पहले आपको तैयार करना है ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए, ई कॉमर्स की परिभाषा आपकी ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है वेबसाइट से क्या आशा है, तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सी टू सी को समझाइए, मतलब क्या उपभोक्ता से उपभोक्ता ई कॉमर्स, ये आपको समझाना है, ओके। फिर आपको तैयार करना है बी टू जी क्या है, ओके तीन आपके हैं आपके, ओके बी टू बी है आपका, बी टू जी है और सी टू सी है, ओके तीनों तैयार कर लीजिए क्या होता है, ओके मतलब क्या है, हम कस्टमर टू कस्टमर मतलब उपभोक्ता से उपभोक्ता पहुँचाते, तो ये आपका सी टू सी कहलाता है, ओके। फिर आपका ये आपका दिया हुआ है, इसी सुराब ले लीजिए, कंप्लीट हुआ था। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है हैकिंग सुरक्षा से को समझाना है आपको, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ई कॉमर्स की उपयोगिता, ई कॉमर्स की उपयोगिता आपकी ये दी हुई है, पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, ओके। आगे देख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिकता, ओके इसे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या आशा है, इसका सी जवाब ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट आपको पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आपको जल प्रदूषण के दो कारण बताना है, जल प्रदूषण के कारण, ओके ये अपना हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है व्यवसाय के वित्त के स्रोत, ओके इसे देख लेते हैं। तो इसे आपको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है समता अंशों के तीन गुण लिखी बताइए, ओके तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, इसी जवाब ले लीजिए, ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है संचित आय के गुण बताइए, तो ये आपकी दी हुई है संचित आय के गुण, इस चीज़ और ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है आड़त के गुण बताइए, तो ये आपके दिए आड़त के गुण, ओके कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है समता अंश की तीन विशेषताएं लिखी, तो ये आपकी दी है समता अंश की विशेषताएं, इसी जवाब ले लीजिए, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यापारिक साख की कोई गुण बताइए, ओके तो ये आपके दिए है कोई से तीन से आपको चार से तीन से चार गुण तैयार कर लीजिएगा, ओके हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता, ओके चलिए इसे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ओके की स्थापना कब हुई थी, इसका सॉल्यूशन आप दिया हुआ है, इसी जवाब लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास केंद्र क्या है, ये दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है उद्यमिता विकास के कार्य लिखिए, ये सब आपके दो नंबर के हिसाब से है, ओके ये आपका दिया हुआ है, ये आपके लॉन्ग में हो जाता है, इस चीज़ और इसका क्या फास्ट ही ले लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है उद्यमिता की विशेषता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये आपकी दी हुई उद्यमिता की विशेषता, जैसा पहला है जोखिम लेने की क्षमता, दूसरा रचनात्मक क्रिया, तीसरा है निरंतर प्रक्रिया, ओके ये आपका दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है नवप्रवर्तन क्या है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, इसी जवाब लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपको तैयार करना है कुटीर उद्योग क्या है, ओके तो देख लीजिएगा, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट आपका आपको तैयार करना है कुटीर उद्योग की विशेषता है, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग की विशेषता, ओके आसान है, सबसे ज़्यादा आपका कुटीर उद्योग से क्वेश्चन बन सकता है, तैयार कर लीजिएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आदरे का व्यापार, ओके इससे देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापारी कौन होते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो खुदरा व्यापार क्या है, ओके ये आपका दिया हुआ है, इसकी जोड़ लीजिए। नेक्स्ट है सुपर मार्केट के दो लाभ लिखिए, ये आपके क्या दैनिक जीवन आप देखते रहेंगे, आप कहते हैं कि क्या है ये थोक व्यापारी है, ये फुटकर विक्रेता है, तो ये सब आप जानते ही होंगे, ओके लिखना किस प्रकार से एक बार पढ़ लीजिए तो आपसे तुरंत ही बन जाएगा। सुपर मार्केट के दो लाभ मतलब जो सुपर मार्केट आपने देखे होंगे शहरों में खुले रहते हैं, उनके लाभ क्या है ये आपको बताना है, ओके ये आप कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग में आपको तैयार कर सकते हैं स्थायी दुकानदार फुटकर व्यापारियों की विशेषता बताइए, ओके तो ये आपका दिया हुआ है, इसके शॉर्ट आप ले लीजिए, ओके ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, इसमें फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं बताइए, तो ये आपकी सेवाएं दी हुई है, इसलिए जोड़ आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए जोड़ आप लीजिए, ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और अंत हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है जहाजी बिल्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो आपकी दी है जहाजी बिल्टी की दो विशेषताएं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए, विदेशी व्यापार क्या होता है, तो ये आपकी परिभाषा दी है पहली परिभाषा,
ये आपके दूसरी विज्ञान के अनुसार दूसरी परिभाषा ओके कमली हुआ था। नेक्स्ट आपको विदेशी व्यापार के दो लाभ देख लेते हैं, तो ये आपके दो लाभ दिए हुए हैं, इस प्रकार से हमने कमली हुआ था ओके। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है कप्तान की रसीद और जहाजी बिल्ट में अंदर ओके, तो इसका भी लिख लीजिए, आपके तीन या चार नंबर पूछा जा सकता है ओके। इस प्रकार से हमने कमली हुआ था, इस प्रकार से मैंने आपको क्लास 11 के व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज के और द्वारा परीक्षा के लिए महापुरुषों से बताए हैं, वस्तु स्पष्ट रह जाते हैं वही भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल से आप जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।